इस्लाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक अजीम तारीखी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। आज का सफर हमें वक्त के साथ पीछे ले जाता है एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। हम कदीम हिंदुस्तान के मरकज में सफर कर रहे हैं, जहां एक अजीम जंग जवावर हुक्मरान ने अपनी बहादुरिया और हुकमत से तारीख रकम की। हमारे चेहरों गुजर आजाना गपटावल की जिंदगी का जायज लेने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को हिंदुस्तान की हिफाजत और तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। तस्वर करें कहा एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान को मगरब से खतरात का सामना था और हर तरफ खौफो हरास फैला हुआ था। ताकतवर अरब फौजी आगे बढ़ रही थी और उनका मकसद हिंदुस्तान की सर जमीन पर कब्जा करना था। उन्होंने बहुत सी मेने ने फतह कर ली थे और उनकी इफ्तुहात का सिलसिला जारी था। फिर भी गुर्जर राजाना गबटाव गुलाल मजबूती के साथ डटे हुए थे, अपन नेसर जमीन की हिफाजत के लिए हाँ रममकिन कोशिश कर रहे थे। वही हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाली ढाल थे और उनकी क्यादत में हिंदुस्तानी फौज ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। वह ताकतवर गुजर पर तिहारा खानदान के बानिए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा। यह गुजर खानदान सदियों तक हुकूमत करता रहा और इनकी हुक्मरानी ने हिंदुस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत बनाया। वो शमाली हिंदुस्तान की किस्मत को बदल डाला और इनकी हुक्मरानी ने इस खत्ते को एक नई शनाख्त दी। नागे भट्टा वलहम तकिया एक चमकती हुई मिसाल थे, जिन्होंने अपनी भादरे से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर डाला। वह हमला आवरों के खिलाफ मजाहमत की अलामत थे और इनकी क्यादत में हिंदुस्तानी फौज ने कई जंगें जीते। उन्होंने हिंदुस्तान की सकाफत तावर धर्म की हिफाजत की और अपने सर जमीन कैरवायत को जिंदा रखा। वहां एक बहादुर जंग जो थे, जिन्होंने अपनी तलवार से दुश्मनों को शिकस्त दी। वहां एक दानिशमंद हुक्मरान भी थे, जिन्होंने अपनी हिकमत तमली से हिंदुस्तान को मजबूत बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान में एक सुनहरे दौर की बुनियाद रखी और उनकी हुक्मरानी ने हिंदुस्तान को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आइए इस गैर मामूली बादशाह की जिंदगी और हालात के बारे में जानते हैं और उनकी आनी को दोहराते हैं। आइए हिंदुस्तान की तारीख पर उनके असरात को समझते हैं और उनकी रास्त व्यादी करते हैं। हमें नागभट्ट की गबदाई जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं है। इनकी जिंदगी के इब्तदाई सालों के बारे में बहुत ही कम मालूमात मिलती है। उस वक्त की तारीख सी मशदह टकरों वाली पहली की तरह है। यह एक ऐसा दौर था जब तारीख के सफात में बहुत सी कहानियां लिखी जा रही थी, लेकिन हम कुछ मालूमात आकटी कर सके हैं। है, कदीम मखतूतात और दस्तावेजात हमें कुछ आशारे फराहम करती हैं। हम जानते हैं कहुआ गुजर पर तिहारा के छावड़ी खानदान में पैदा हुए थे। ये खानदान सुकत के गर्जर देश में एक अहम कामर खता था। ये खानदान सुकत बेहद ताकतवर नहीं था, उनकी हैसियत एक छोटे दरख्त की मानद थी, जवाबी बढ़ने के मराहल में था। वहां एक छोटे से पौधे के तरह थे, जवा एक ताकतवर दरख्त बनने का इंतजार कर रहे थे। वक्ता के साथ साथ ये खानदान मजबूत और मुस्तहकम होता गया। गुजर पर तिहार असल में मौजूद हराजस्थान और गुजरात से आए थे। इनकी जड़ी अन्य इलाकों में गहरी थे। हम यकीन से तो कुछ नहीं कह सकते कहना गब भट्ट कहां पैदा हुए थे। इनकी पैदाइशी के मकाम के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं, लेकिन हमान का तस्वर एक नौजवान शहजादे के तौर पर कर सकते हैं। एक ऐसा शहजादा जो अपने खानदान के रवायात और इकदार को समझता हो। इन्हें जंगी हुकमत अमली और रियासत के फन में तरबियत दी गई होगी। इनकी तरबियत में जिन गेम हारतावर हुकूमत या मोर शामिल थे, वह एक रोशनावर अजायम वाल अनवजवान रहा होगा, जो खुद को साबित करने के लिए बेताबर होगा। इनकी आंखों में बड़े ख्वाबावर दिल में अजीम मकासद थे। उन्हें एक छोटी सी बादशाही और से में मिली थी। यह एक छोटा सा इलाका था, लेकिन इसमें बड़ी सलाहियतें छपी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे अजीम बनाने का ख्वाब देखा था। उनके ख्वाबों में एक मजबूत और मुतहद रियासत का सूरत था। उन्हें जल्द हयापना मौका मिलेगा। उनके सामने एक सुनहरी मौका था, जिसे वो जाया नहीं करना चाहते थे। किस्मत ने उनके लिए बड़े मंसूबे बनाए थे। उनकी तकदीर में अजीम कारनामे लिखे हुए थे। 8वीं सदी हिंदुस्तान में बड़ी तब्दीली का दौर था।
बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतें इक्तदार के लिए लड़ रही थी। यह शतर नंज के खेल की था जिसमें बादशाह और रानिया पनी हरकतें कर रहे थे। अरब मगरब में एक बढ़ता हुआ खतर थे। उन्होंने संध को पहले हेफ्तह कर लिया था। वो हिंदुस्तान में मजीद तोसीए करना चाहते थे। असहनगा मखेज वक्त में नागबठा वाला कदार में आए। वहां एक माहिर जंग जवावर चालाक हुकमत अमली थे। वहरबों से होने वाले खतरे को समझते थे। वो जानता था कहां सख्तरे का सामना करने के लिए इसे छोटी छोटे रियासतों को मुतहद करना होगा। उन्होंने अपनी बादशाही को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को शिक्षा दिया और अपने इलाके को वसीया किया। उन्होंने खुद को एक काबला और मनसफ हेकमरान साबित किया। नागभटावले हमला और अरब फौजों के खिलाफ अपनी फतूहात के लिए मशहूर हैं। यहां का सबसे अहम कारनामा है। मंजर का तसूर करें, अरब फौजें अपनी फतूहात से खुश हिंदुस्तान की मरकज़ी रियासत तक की तरफ मार्च कर रही थीं। उन्हें फतह का यकीन था, लेकिन उन्होंने गर्जरों की बहादुरी को कम समझा था। नागभटावल ने हिंदुस्तानी मज़ाहमत की क्यादत की। उन्होंने अरबों का सामना शदीद लड़ाइयों के सिलसिले में किया। सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एकावजीन शहर के करीब हुई। अस जंग की तफसीलात लीजेंड में मौजूद हैं, लेकिन हम जानते हैं कहना गभटावल फाते हुए उन्होंने फैसला कन तौर पर अरब फौज को शिक्स्त दी। यह फतह हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम मोड़ थी। इसने हिंदुस्तान में अरब के अरूज को रोक दिया। इसने गौजर पर तिहारा खानदान को हिंदुस्तान के मुहाफिज के तौर पर कायम किया। अमन का दौर, नाग भट्ट का दौर हुकूमत। अरबों के खिलाफ अपनी फतूहात के बाद नाग भट्ट ऑल ने निस्बतन परामन दौर हुकूमत से लुत्फ उठाया। उन्होंने अपनी तवज्जा अपनी बादशाही को मजबूत करने की तरफ मोड़ दी। उन्होंने एक मजबूत इंतजामिया की बुनियाद रखी। उन्होंने तिजारत और कॉमर्स को फरोग दी। उन्होंने फनून और सीखने की सरपरस्ती की। उनकी हुक्मरानी में रियासत तरक्की करती रही। लोग अमन और हम आहंगी के साथ रहते थे। उन्होंने अपनी बादशाही को मजीद मशरक की तरफ बढ़ाया। उन्होंने औद और कनूज के हुक्मरानों को शिकस्त दी। उन्होंने कनूज को अपना दारल हुकूमत बनाया। ये एक स्ट्रेटजिक इकदाम था। कनूज जरखीज गंगाई मैदानी इलाकों में वाके था। ये तिजारत और सकाफत का मरकज था। कनूज को अपना दारल हुकूमत बनाकर नाग भट्ट ऑल ये साबित कर रहे थे और खुद को शमाली हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर हुक्मरान करार दे रहे थे। सकाफत का फूल नागभटावल के दौर में अटावर फिंतामीर। नागभटावल सिर्फा एक बहादुर जंग जवार मुंतजम नहीं थे, वो फन व लतीफा के सरपरस्त भी थे। वो समझते थे कहां एक रियासत सिर्फ सियासी ताकत के बारे में नहीं है, ये सकाफत और वर्से के बारे में भी है। उन्होंने फनकारों शायरों और अलमा की हौसला अफजाई की। उन्होंने बहुत सी मंदिरों और यादगारों की तामीर का काम शुरू किया। फन तामीर का गोजर प्रतिहारा अंदाज अपने अजमतावर पीचीद हनकाशियों के लिए मशहूर है। इस दौर में तामीर किए गए मंदिर हिंदुस्तानी कारीगरों के हनरावर फन का सबूत हैं। ये सिर्फ इबादत गह नहीं है, वह फन के शाहकार भी हैं। ये हिंदुस्तान की भरपूर सकाफती और से कहनमाइंदी करते हैं। पत्थर में जालिया एक विरासत, नागभटावल का दीर पासर। इनकी हुक्मरानी ने न सिर्फ के दौर में बल्कि आने वाले सदियों में भी हिंदुस्तान की तारीख पर गहरा असर डाला। नागभटावल ने तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की। इनकी हुक्मरानी के दौरान उन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम किया। उन्होंने एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। इनकी कयादत ने नासर फांग की सल्तनत को वसत दी बल्कि ऐसे एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत में तब्दील किया। उन्हें एक अजीम जंगजो, एक दानिशमंद हुक्मराना और फरफनून लतीफा के सरपरस्त के तौर पर याद किया जाता है। इनके दानिशमंदी और जंगीम हारत ने उन्हें एक मिसाली हुक्मरान बनाया। वहां एक ऐसी मेरा सा छोड़ गए जो आने वाली इंसानों को मुतासिर करेगी। इनकी हुक्मरानी के असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। इनकी अवलाद सदियों तक हुकूमत करती रहेगी। इनके खानदान ने इनकी विरासत को जारी रखा और इसे मजबूत किया। वह सल्तनत को मजीद वसात देंगे। उनकी अवलाद ने नासर खान की सल्तनत को बरकरार रखा बल्कि इसे मजीद वसत दी।
वहाँ से हिंदुस्तानी तारीख की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक बनाएंगे। उनकी हुक्मरानी ने हिंदुस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी मिरास हिंदुस्तान के मुहाफिज के तौर पर उनका किरदार था। उनकी अकदत ने हिंदुस्तान को बिरूनी खतरात से महफूज रखा। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान को मगरब से संगीन खतर हला है था, वह डटे रहे। इनकी बहादुरिया और हुक्मत आमलिनी ने दुश्मनों को शिकस्त दी। उन्होंने हिंदुस्तानी बादशाहों को इकट्ठा किया और हमलावरों को शिकस्त दी। उनकी क्यादत ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया और उसे मजबूत बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान की सकाफत और धर्म की हिफाजत की। उनकी हुक्मरानी ने हिंदुस्तान की सकाफत और यसत्त को महफूज रखा। उन्होंने यकीनी बनाया कि हिंदुस्तान तनो और इल्म की सरजमीन है। उनकी हुक्मरानी ने हिंदुस्तान की सकाफत और इल्मी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। एक खैर को याद करना नतीजा राजाना गबटावल सिर्फ एक बादशाह से ज्यादा थे। वो हिंदुस्तान के लचकावर जज्बे की अलामत थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान हमला आवरों के सामने नहीं झकेगा। उन्होंने साबित किया कि हिंदुस्तान बहादुरों के सरजमीन आए। उन्होंने वक्त के रियत पर एकानम निशान छोड़ा। इनकी कहानी हम सबके लिए अकल अहम है। यह हमें हमत अजमावर कयादत क्या अहमियत सिखाती है। अगली बार जब आप गुजर प्रतिहारा खानदान के बारे में सुने तब उस अजीम खानदान के बानी राजाना गब भटावल को याद रखें। उन्हें हिंदुस्तान के मुहाफिज फनुमन लतीफा के सरपरस्तावर एक्सन हरीदी दूर के मामार के तौर पर याद रखें।